दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है और हमारे देश में नदियों को भी पूजा जाता है। दोस्तों, आज है संडे और संडे स्पेशल टॉप 5 में आज हम बात करेंगे भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं। ये प्रश्न जितना आसान लगता है दोस्तों, ये उतना ही कठिन है। दरअसल यहाँ पर हमारे दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदियां कौन सी है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भारत के अंदर से शुरू होकर भारत के ही अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं, और तीसरा ये कि किसी भी नदी का भारत के अंदर बहने वाले हिस्से की लंबाई के हिसाब से कौन सी नदी शीर्ष पर आती है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इसी चीज को डिटेल में हम क्लियर करेंगे। और प्रमुख जो हमारा सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि भारत के अंदर ही अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द डायमंड टॉक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि प्रतिदिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते हैं और हर संडे टॉप 5 में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, भारत में छोटी बड़ी लगभग 200 मुख्य नदियां हैं। इनमें पानी प्रवाह के हिसाब से गंगा नदी जो है देश की सबसे बड़ी नदी है, जबकि तय दूरी के हिसाब से यानी लंबाई के हिसाब से सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है। वहीं राजस्थान में मात्र 90 किलोमीटर बहने वाली अरवरी नदी को भी भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। खैर, ये तो बातें हैं, और अब आ जाते हैं हम मुद्दे पर और बात करते हैं भारत की 5 सबसे लंबी नदियों के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित सिनकाबाब नामक जलधारा से हुआ। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। सिंधु नदी नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से होकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिंधु नदी की 5 उपनदियां हैं ईरावती, विपाशा, विपस्ता, चंद्रभागा एवं सदंदु। इनमें से सबसे बड़ी नदी का नाम सदंदु उपनदी है। सिंधु नदी हजारों साल पुरानी सभ्यता की गवाह नदी है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर आती है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। गंगा नदी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बहती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की 8 उपनदियां हैं महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, सोन, महानंदा आदि। अब दोस्तों, नंबर 3 पर आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्रिंबक पर्वत से हुआ। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। गोदावरी की उपनदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजकुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और दोस्तों, अब नंबर 4 पर आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की उत्पत्ति महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। नर्मदा नदी भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे उत्तरी और दक्षिणी भारत की सीमा रेखा माना जाता है। अब दोस्तों, नंबर 5 पर आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर पर्वत से हुई है। ये नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की भी 4 उपनदियां हैं तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मूसी और भीमा। उसको चलते चलते कुछ नदियों के बारे में और हम बात करेंगे। जैसे इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है यमुना नदी का। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री जगह से निकलती है और इलाहाबाद के प्रयाग जगह में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी की 5 उपनदियां हैं चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बदवा और केन। यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो 1211 किलोमीटर है। उसके साथ साथ महानदी भी आती है। महानदी भारत में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। महानदी को कई नामों से जाना जाता है। महानदी की उत्पत्ति की बात करें तो रायपुर में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुई है। सिहावा से बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 855 किलोमीटर की दूरी तय करती है। महानदी की 5 उपनदियां हैं पेरी, सोंडूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंग, तेल आदि। और उसके साथ साथ जो अगली नदी है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी की लंबाई 765 किलोमीटर है। और सबसे लास्ट में आती है दोस्तों ताप्ती नदी।
तापी नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से निकलती है। यह पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है। तापी नदी महाराष्ट्र के खानदेश पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने बात की भारत की 10 प्रमुख नदियों के बारे में, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और आपके शहर से कौन सी नदी होकर गुजरती है उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।